घटना चक्र की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप घटना चक्र की एक और बुक पीडीएफ रूप में डाउनलोड कैसे करें सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको ऊपर सर्च बार में वेबसाइट का नाम टाइप करना है। वेबसाइट का नाम है a2zteaching.com। नाम डाल के जैसे ही एंटर करेंगे वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी और सबसे पहली पोस्ट आप देखेंगे घटना चक्र जनरल ज्योग्राफी बुक पीडीएफ डाउनलोड, ये आपको दिखाई देगी। अगर ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देती तो ऊपर दिए गए मेन्यू बार पे कम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, नहीं तो आप अगर यहाँ पे पोस्ट आपके क्लिक करके नहीं आती है, आप काफी समय बाद देख रहे हैं, आपको क्या करना है इसको सर्च बार पे क्लिक कर सर्च बार में डालना और क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने पोस्ट आ जाएगी और पोस्ट आती है आपको इस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। पोस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्क्रॉल बार से फिर से नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको टेबल दिखाई देगा। उन्होंने भी यहाँ पे अपलोड नहीं किया लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद या एक आध दिन बाद अपलोड कर दिया जाए। एक बार हमसे फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, हो सकता है पोस्ट जो है थोड़ी अलग टाइप की दिखाई दे रही हो। आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गई है। तो जैसे आपके सामने टेबल आएगा इस टेबल के ऊपर आपको यहाँ पे सामने डाउनलोड का ऑप्शन बनेगा। आप जैसे दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गूगल ड्राइव में जो पीडीएफ अपलोड होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने वाली है। और जिस पीडीएफ को आप यहाँ साइड में दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। अभी डाउनलोड आप देखेंगे अपलोड हो गई है और इस पीडीएफ को आप यहाँ साइड में दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे।